वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस वीडियो में आप गल करांगे जिहड़े दिल्ली विच सिख पंथ उत्ते हमला होया, इस हमले के बारे असी गल करांगे किवें एक साजिश अधीन हमला होया, किने कीता ते पंथ नूं हुण किहड़ी चीज़ां दी ते स्वतंत्र होण दी किवें लोड़ है। पहलां गल करिए कि जिवें असी देखिया किमें दहशत का हिंदू अत्तवाद का नंगा नाच होया 15 अगस्त के दिन। सतसंग 15 अगस्त के दिन एक काम होना एक इतिहास दोहरा अपने आप को कि 1947 होया सिखा दे नाल पंथ दे नाल। एक पासे बामण झंडा चलाते ने, दूजे पासे सिखा का कतलेआम हुंदा है। कि 84 होया एक पासे ये हिंदू अत्तवाद का फिरका प्रस्ती दा मिसाल जेड़ी भारत माता हिंदू अत्तवादी बामणी जेड़ी साढ़े लाके बंब चलाउंदी है, एक पासे उहदा झंडा चढ़दा है, उहदी विचारधारा नूं समर्पित एक पासे उहनां दा झंडा चढ़दा है, दूजे पासे सिखां दा कतलेआम हुंदा। गल सोचण वाली है। सत संगत असीं देखिआ कि 84 विच साने को जिन्ना इहो जिहा ऑन द ग्राउंड सबूत नहीं सन जिन्ने असी इहदे विच आ जिहड़ा कल दा कांड होया उहदे ने असी देखिया शरेआम किवें ओह उत्थे दस्या जा रहा है कि ये कोई जिहड़े बिके हुए घटिया गंदे लोग गदार लोग कह रहे ने कि ये दो जातां दी आपस विच लड़ाई है, पंथ जात पात के खिलाफ है, जात तो उत्ते है। तो उस खिते दे अंदर लड़ाई करन वाले कौन लोग ने असी खुद जानते हैं। जे किते हमला हुंदा है, कतलेआम हुंदा है, पुलिस हमलावरां दा साथ दिंदी है, तो तुसी समझ जाओ वह हमलावर कौन ने। ज़्यादा दूर जाण दी लोड़ नहीं, उही हिंदू अत्तवादी जथेबंदियां जिन्हां ने जगह जगह पर बंब चलाए ने, बलात्कार किए ने, चर्चा नूं अग्गां लाईयां ने, न्याणियां नूं जूंदे सौड़िया है, उही हिंदू अत्तवादी फिरका प्रस्त इंसानियत दे दुश्मन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये अत्तवादी लोग ये शरेआम देखिया किवें ये अत्तवादी लोगों ने इन्हां फिरका प्रस्त लोगों ने सिखां ते हमला किया, सिखां ते गोलियां चलाईयां, पुलिस उन्हां दा साथ दे रही सी। तस्वीरां तुहाडे सामने ने, वीडियो तुहाडे सामने ने, कोई लुको के काम नहीं वो कर रहे। मैं करां बेनती संगतां दे चरणां विच, वो आप कह रहे ने तुहानूं 84 करके दिखाउने आ, वो फिर कह रहे ने तुसीं ध्यान नाल इन्हां वीडियो नूं देखो, वो कह रहे ने हले तुहानूं छोटा जिहा ट्रैलर दिखाया, फिल्म दिखाउणी है, पंथ नूं सुचेत होण दी लोड़ है। हुण मैं बेनती करांगा दो चीज़ां दी, भई पंथ नूं अगां किवें चलना है, ते असी हुण सच के तो सुनना है, ये बड़ी सुनन दी ते समझण दी लोड़ है। असी उत्थे देखिया इन्हां हमलिआं पिछे जिहड़ी सब तो वड्डा कारण है वो ये है कि जिन्नी साडी सो कॉल्ड साडी जिहड़ी लीडरशिप है वो सारी फेल हो चुकी है। असी देखिया कि मैं गुरुद्वारिया विच सरने हुणी ते आ जीके हुणी आ बादल ग्रुप किवें एक दूजे नूं कृपाना कढ के बंदूकां चला के लड़ रहे सी, एक दूजे नूं मार रहे सी। ये सब कृपाना कित्थे चले गईयां, ये बंदूकां कित्थे चले गईयां, वो ललकारे मार रहे ने तुहानूं, वो बजरंग दलीए ORSS धोती टोपी वाले ललकारे मार रहे ने तुहानूं, दस रहे ने 84 एक फिर करके दिखावांगे। कित्थे चल जांदे ने शरणा भरा, कित्थे चल जांदे ने आह जिहड़ियां कमेटियां, ये जिहड़ी नवीं बणी आ जां पुराणी जो भी इहनां दा सिस्टम है, उत्थे कित्थे मर जांदे ने लोक, तुहानूं लुट्टण नूं, तुहाडा पैसा लुट्टण नूं, तुहानूं बेवकूफ बनाउण नूं, तुहाडियां वोटां लैण नूं, सब तो मोरे आ लोक। जिले अपना फर्ज नमाउण दी गल हुंदी है उहले कित्थे मर जांदे ने, किहड़ी बिल्ली सूंघ जांदी है इहनां नूं। सत संगत सानू
सोचण दी लोड़ है, जागण दी लोड़ है। ये साडी लीडरशिप नहीं, ये सिर्फ ते सिर्फ ब्राह्मणवाद दे पालतू कुत्ते ने। ये जिहड़ा उत्थे इलैक्शन दा इन्हां ने बड़ा रौला पाया, एक दूजे लई कृपानां चलाईआं, सरने ने बादल नाल संधि कीती, अपनी पार्टी विच उहदी जिहड़ी पुरानी पार्टी सी उहदे विच दो चार बंदे होर मिक्स करके, क्योंकि मैं संगतां नूं एक गल स्पष्ट करां कि जो सरना परिवार का मुंडा है वह बादल परिवार में ब्याहया जा चुका है, इस करके ये दो परिवार एक हो चुके ने। जिहड़ा उन्हां दा सो कॉल्ड एक दूसरे ने लड़ाई का एक जो ड्रामा है वह सिर्फ तुहानू आपस में लड़ा के कमज़ोर करन लई है। तुहानू कमज़ोर तां कीता जा रहा है क्योंकि तुहानू वह ब्राह्मण आ के कुट सकन, मार सकन तुहानू, ते तुसी उत्थे कमरियां विच लुक के बह सको, डर के रो सको। असी वीडियो देखियां सिखां दियां किवें कमरियां विच लाचार हो के रो रहे ने, बचा लो सानू। ये गुरु नानक नू मनन वाले सिख, जिहड़ा आत्म निर्भरता का प्रतीक गुरु नानक पातशाह, उहदे सिख कह रहे ने कि रबो आसमान तो फरिश्ता आके उन्हां नू बचावे। ये जिहड़ी सिखी सोच तो बिल्कुल टुटे हुए लोग ने, इहनां दी विचारधारा दा नतीजा है अज इहनां नू इह कुछ देखना पै रहा है। बिन शस्त्र, मैं बेनती करा, बिन शस्त्र नरभेड़ जाना। जिहड़ी गुरमत है वह स्पष्ट है, पंथक रहत मर्यादा वह स्पष्ट है। सिख नूं आत्म निर्भर होना पएगा। सरकार एक धोखे का नाम है, सिख अपने आप विच एक सरकार है। सिख आजाद हस्ती ते आजादी का प्रतीक है। तुसी इन्हां दी इन्हां गंदे लोकां दे इन्हां फिरका प्रस्त लोकां दे सिस्टम अधीन रह के, इन्हां दीआं आह गंदियां बाहमणियां टीवी ते देख देख के, इन्हां दा गंदा भैड़ा प्रचार टीवी ते देख देख के अपनी विचारधारा नूं गवा चुके हो। अज उस दा तुहानूं रिजल्ट मिल रहा, उहदा इनाम मिल रहा कि तुहाडे आप दे लोक किवें उहनां दे मूहरे वीडियो तुहाडे सामने है, किवें डर के जिवें न्याणे रोंदे ने उवें रो रहे ने भी सानू मारन आ गए, दरवाजे बंद कर लो, लुक जाओ, छिप जाओ। ये फिर 84 कहन लगी है। सत संगत सिखी की सोच नहीं, सानू सिखी ना जुड़न की लोड़ है, सानू आत्म निर्भर होने की लोड़ है। मैं बेनती करा संगतां दे चरणां विच, आ तुहाडी लीडरशिप तुहानू मरा रही है, मैं स्पष्ट कर दवां। ये तुहाडी जिहड़ी लीडरशिप है, इहदियां ये जिहड़े आए हमले होने, मैं बेनती करा ये तुहाडी लीडरशिप दा तुहानू इनाम दिंदी है, उहनां नू वोटां पाउण दा इनाम तुहानू मिलदा है। असी बड़े लोग देखे, बड़ियां उन्होंने अपनिया अपनिया फर्जी कोई पैसे लोगों के पैसे कट्ठे करने लिए अपनिया बनाईया ने, किसी ने कुछ बनाई है, किसी ने कुछ बनाई है, इहनू वोट पा दो जी, बादल नू वोट पा दो जी, आह सरने नू वोट पा दो। वो कित्थे मर जाते हैं, कि बिल्ली सूंघ जाती है उन्होंने। पंजाब विच भी हालात, पंजाब विच भी यही ने हालात, दिल्ली विच भी यही ने। यह तां हालात इवें हो रहे हैं क्योंकि साडी सोच मर रही है, सिखी तो टुट रहे हैं। सा संगत सिखी की विचारधारा नाल जो बंदा जुड़िया वह सिख है। पंथक रहत मर्यादा का जिहड़ा सब तो पहला, जिहड़ा सब तो पहला पंथक रहत मर्यादा का पेज है, उत्ते स्पष्ट है कि जिहड़ा सोचवान है वह सिख है, जिहड़ा सिखी की सोच नूं मंनदा है वह सिख है, जिहड़ा पंथ नूं मंनदा है वह सिख है। अज सानूं उस पंथ ते मनण दी लोड़ है, पंथ ते यकीन होण दी लोड़ है। इस ब्राह्मणवाद तो यकीन उठाइए ते पंथ नाल जुड़िए। पंथ आत्म निर्भर है हर पक्षों, पंथ नूं किसी पुलिस की लोड़ नहीं है, पंथ नूं किसी मिलटरी की लोड़ नहीं है। अब पंथ नूं खास करके इस गंदे जे तिरंगे की लोड़ नहीं, जिस इस तिरंगे का जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अंग्रेजी विच कहा जाता है एक प्रोक्सी स्टेट है, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही एक बनौटी स्टेटा ने एक दूजे नूं काबू रखने लई जो कॉमनवैल्थ के डिजाइन थले बनाई गई ने, जिन्हां बारे असी विचार आने वाली वीडियो विच करांगे। इन्हां दोनों स्टेटां का कोई आपस में मतलब नहीं है, ये दोनों ही पंथ लई एक किस्म का खतरा बन गए। असी देख लिया हरेक जगह, असी देखिया फेलियर का सब तो बड़ा कारण है असी तैयार बर तैयार नहीं। पंथ तैयार बर तैयार हो, सानू तैयार बर तैयार होने की लोड़ है। ये लीडरशिप तो तुसीं मूँह फेर लो, इन्हां नूं वोटां पा के तुसीं वोटां का इनाम देख लिया, तनु यही इनाम मिले इन्हों वोटा पा के, तो यही इनाम मिलेगा वोटा पा के।
मैं करां बेनती संगतां दे चरणां विच आत्म निर्भर होइए। इन्हां दा इस जिहड़ा इह सिस्टम है उह तों उपर उठीए, पंथ दे नाल जुड़िए। पंजाब विच पहरे लग रहे ने, पंथ जागृत होया पंजाब विच, ते उन्होंने वह काले कच्छे वाले फड़ के गवर्नमेंट दे भेजे हुए यही आर एस एस वाले, उन्होंने किवें उन्हां दा विरोध किया, किवें उन्होंने फड़िया है, ताडे सारे दे सामने है। पंजाब विच भी यही होना है जो दिल्ली विच हो रहा है, सानू उत्थे भी होर तैयार बर तैयार होने की लोड़ है। तो मैं दिल्ली विच रहण वाले सारे सिखां नू, होर भी हरेक देश विच रहण वाले सिखां नू कहिंदा कि अपनी अपनी मिसलां बनाकर तैयार बर तैयार हो जाओ। मिसलां ही आजादी का प्रतीक है, मिसलां ही पंथ की जित का प्रतीक है। सानू मिसलबंद होने की लोड़ है, हरेक पक्षों तैयार बर तैयार होने की लोड़ है। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतह।